भाई और बहनों, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है। गियर वाली साइकिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्लेन नहीं रहता रोड पे, तो इसलिए कोई और यहाँ पे ब्लॉग बना रहा है। ओके, तो फाइनली आके बैठ गया हूँ मैं एक जगह पे और यहाँ पे लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं, बट मैं आज रनिंग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे आप सब लोग? तो यार, थोड़े दिन पहले ना मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जैसे वीडियोस वगैरह में, तो एक कमेंट मैंने देखा था, सोच रहा था कि उसके बारे में कुछ वीडियो बनाता हूँ। पहली जो चीज़ है वो है कि स्वीडन में ग्रोथ कैसा रहता है, कि आप फिनेंशियली कितना आगे बढ़ सकते हो, आपकी सैलरी कितना ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर सच बताऊँ तो व्हेन इट कम्स टू फिनेंशियल मैटर, तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं है। एक टाइम पे आप स्टैगनेंट हो जाता है, मान लो आपकी सैलरी जो है 50-60-70 हज़ार SCK पे रुक जाती है। तो वो एक उन्होंने पॉइंट करा था और मैं इस पर ज़रूर मतलब बोलूँगा कि हाँ ये है, बट आपके हिसाब से ग्रोथ क्या होता है, कि आप अनलिमिटेड पैसा कमाओ या फिर आप आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट हो और आप एज अ पर्सन अब ग्रो करें। ऑब्वियसली पैसा एक बड़ा फैक्टर रहता है, बट हाँ ओनली अगर पैसे को दिमाग में रख के देखो भाई, एक टाइम आता है कि तुम खुशी से रह सकते हो उस पैसों में, तो अगर वो लिमिट आपका पहुंच गया है तो आप खुश रह सकते हो। बट अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे पैसा बहुत ज़्यादा ही चाहिए, आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपये है, मैं ऑब्वियसली 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक यू नो कैसे कमाऊँ वो सोचूंगा। ऑब्वियसली सबकी मेंटालिटी वो रहती है, बट यहाँ पे मैं आके रह गया हूँ 3 साल, तो इसलिए मैं सोच नहीं रहा हूँ कहीं जाने का। बट हाँ ऑब्वियसली अगर मुझे स्वीडन से पहले US में अपॉर्चुनिटी मिलता तो शायद मैं वहाँ भी चला जाता, तो वो पॉइंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पे आना चाहते हो तो वो चीज़ दिमाग से हटा दो। अगर यहाँ पे आप अपनी कंपनी चालू करते हो, जैसे आपकी कंसल्टेंसी आपने चालू करी, तो उसमें बहुत थोड़ा पैसा कमा सकते हो, बट टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बता रहा हूँ 50 हज़ार के ऊपर 1 रुपये भी अगर आपको मिलेगा तो उसमें स्ट्रेट 50% टैक्स कट जाएगा, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। मैं अगर आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन बताऊँ, मेरे दोस्त है US में, तो वो लोग मेरे से 3 गुना ज़्यादा सेम एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इधर उधर होता है, 2-3 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो पैसों के मामले में तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर यहाँ पे आप आके डिप्रेस रहते हो तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे रहने का, है ना? तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। भाई देखो, ये पूरा डिपेंड करता है, हमारे इतने सारे दोस्त हैं, हम दोनों ही इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मतलब टाइम स्पेंड करते हैं या टाइम का पता ही नहीं चलता, और इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए यहाँ पे। घर पे अगर बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, बट कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, हाइक कर सकते हो, रन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो, घूम सकते हो इधर उधर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूरोप जाओ घूमने के लिए, स्टॉकहोम में ही घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, इवन विंटर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बोर जो होना चाहेगा ना, तो वो लॉस एंजलिस में भी बोर हो जाएगा और वो अपने घर में भी बोर हो जाएगा। जो बोर नहीं होना चाहेगा वो कभी बोर नहीं हो, वो चीज़ यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और सोशल लाइफ यहाँ पे ज़ीरो है, अकेले रहोगे तो ऑब्वियसली सोशल लाइफ ज़ीरो होगी ही होगी, तो अगर आप यहाँ पे हो तो ऑब्वियसली आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे। आप बोलोगे नहीं मुझे इंडियंस के साथ दोस्ती बनानी है, तो यार आप एक फॉरेन कंट्री में आप बोलोगे कि नहीं मुझे इंडियन चाहिए, तो बेटर है इंडिया में ही रहो, ठीक है? डोंट टेक इट नेगेटिवली, मैं मेरे बहुत इंडियन दोस्त है यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको स्वीडिश या फिर जो फॉरेनर है उनके साथ भी दोस्ती बनानी पड़ेगी। ऑल्दो आप उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे जैसे एक इंडियन फ्रेंड के साथ कर सकते हो, बट हाँ अच्छा ही होगा, क्या ही ख़राब है। तो सोशल लाइफ और लोनलीनेस, ये दीज टू थिंग्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, कि आप अपने आप को यहाँ पे कैसे रखते हो। और एक चीज़ मुझे बोलना था कि लोग बोलते हैं कि स्वीडन में यार मोटिवेशन ही नहीं रहता काम करने का, क्योंकि आपके साथ ही साथ कोई जैनिटर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो, उसको जितना सैलरी मिलता है या फिर होटल में जो काम करता है उसको जितना सैलरी मिलता है, तो हमें भी उतना सैलरी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी काम करते हैं, जैसे जो मतलब जैसे वाइट कलर जॉब नहीं रहता, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इन सब
की भी पर आवर रेट जो है ना खतरनाक है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे घर पे ना साला इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है कि क्या बताऊँ। अभी हम लोग एक्चुअली एक इलेक्ट्रिशियन कंपनी से कॉन्टैक्ट करे थे कि हमारे घर में थोड़ा सा लाइट्स वगैरह लगानी, क्योंकि मैं खुद लगा लेता बट वो फिनिशिंग नहीं आती है ना जो कोई इलेक्ट्रिशियन करता है। यहाँ पे जो काम होता है ना एकदम तगड़ा एक नंबर का होता है। तो खैर, तो उनका जो पर आवर रेट था वो कितना था पता है? 650 क्रोना पर आवर, और एक जन का। और मेरे को अभी एक जॉब का अपॉर्चुनिटी आया था तो उन्होंने लिखा था कि 750 तुम्हारा पर आवर रेट है। तो वो है, पता है हमारा कितना खर्चा हुआ? 3 घंटे का काम था, 2 जन आए थे, तो फिर 6 घंटा हो गया। तो हम लोग को देना पड़ा 6,200, विच इज़ इक्विवेलेंट टू लाइक इंडियन करेंसी में बोलूँ, जो कि पॉइंट मतलब कमाते हम इधर है फिर इंडियन में क्यों कन्वर्ट करते। बट आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ, 50,000 रुपये हमारे घर में अगर 50,000 रुपये दो तो इलेक्ट्रिशियन पूरा सब कुछ करके चला जाएगा। बट वो भी है कि हम लोग अगर इंडिया में मान लो 40,000 कमा रहे, 6,000 ऑब्वियसली इलेक्ट्रिशियन को नहीं देते, बट यहाँ पे वो होता है। तो वो चीज़ देख के लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, और मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब जस्ट बिकॉज़ एक इलेक्ट्रिशियन को इतना पैसा मिल रहा है और आपको अगर उस सेम या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो आपको ख़राब लग रहा है। मतलब ये पूरा कंपैरिजन हो रहा है इलेक्ट्रिशियन से, अगर उसका कम रहता तब हम लोग ठीक रहते, है ना? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। जैसा है उसके साथ एक्सेप्ट करो। अगर यू कैन नॉट सी एन इलेक्ट्रिशियन अर्निंग सेम अमाउंट ऑफ मनी तो फिर तुम यहाँ पे रह नहीं सकते। और बाकी यार, अब अगर करोड़ों में कमा के अगर खुश ही नहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं, मेरे को जितना पता चला है। आई डोंट नो, फिर लोग बोलेंगे तुझे बड़ा पता है कौन खुश है कौन नहीं। बट हाँ, ओवरऑल लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें जितनी सैलरी मिल रही है हम उसमें खुश हैं और ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, तो वो चीज़ है। बट इंडिया में अगर कंपेयर करूँ तो मेरे दोस्त जो है उन लोगों की सैलरी जो है वो 40-50 लाख भी पहुंच गई है। हम लोग सब एक साथ स्टार्ट करे थे, जबकि अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 50 लाख सैलरी इज़ इक्विवेलेंट टू यहाँ पे जो हमें सैलरी मिल रही है ना। तो वो चीज़ है, काम का प्रेशर कितना रहता है, कल्चर कैसा है। बहुत सारे कंपनीज में कल्चर बहुत अच्छे भी होते होंगे, बट यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कल्चर कैसा रहता है यहाँ पे, है ना? और बेनिफिट्स वगैरह तो सब रहता ही है। अभी आजकल तो इंडिया में भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से यार, अगर आपको 30-40-50 लाख की भी जॉब मिल रही है तो देख लो, सोच लो, यहाँ पे सब कुछ महंगा हो गया है। मतलब रेंट वगैरह आप घर खरीद रहे हो तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और नॉर्मल यार ये दूध खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। हम लोग पहले जाते थे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जुलाई में हमको जब सैलरी मिला था, यहाँ पे 22-24 तारीख को सैलरी मिलती है और आज 24 तारीख हो गया, ठीक है? तो इस एक महीने में 2 जन का 17,000-18,000 क्रोना खर्चा हो गया हमारा, ठीक है, रेंट छोड़ के। तो वो चीज़ है, सैलरी उस हिसाब से नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी लोग बोलेंगे तेरे को अगर इतना ज़्यादा कम सैलरी मिल रहा है, इतना खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे है क्यों? मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैं जितना कमा रहा हूँ, जितना सेव कर रहा हूँ या फिर घर पे भेज रहा हूँ, जो भी हो रहा है मैं यहाँ पे खुश हूँ। जिस दिन मैं दुखी होऊंगा कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, देन आई विल मूव आउट। अगर मैं खुश हूँ तो इसका मतलब नहीं कि कोई भी आके यहाँ पे खुश रह सकता है। यार अपना बर्तन मांजना किसको पसंद है ना, अपने कपड़े साफ करना, अपने लिए खुद खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ये सब बहुत लोगों को पसंद नहीं है यार। मुझे भी पसंद नहीं था, बट यहाँ पे करने के बाद मुझे लगता है कि नहीं सही है। बट इंडिया में हम लोग अगर अफोर्ड कर पाते हैं, हम लोग मेड रख ले या फिर भाई रख ले या फिर सर्वेंट्स रख ले तो क्यों ना रखें। यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे भी उनकी सैलरी उतनी रहती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो डे केयर रहता है, मान लो आपके बच्चे हैं, आप दोनों जॉब कर रहे हो, आप अगर चाहते हो कि कोई आपके बच्चे का टेक केयर करे, तो मैं देख रहा था पर आवर रेट है उनका 150 क्राउन्स, तो 8 घंटे का कितना हो गया, 1200 क्राउन, 30 दिन 36,000 क्राउन, इसी के सैलरी इतनी रहती है नॉर्मली, है ना? अंदाज़ा लगा लो, अगर कोई हाउसवाइफ है जिसको घर का काम करना पड़ रहा है, जो बच्चा भी संभाल रही है,
तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, है ना यार। और भी कुछ कुछ थे जो मैं वो कमेंट सेक्शन में, लेकिन अभी मैं कमेंट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वही ढूंढ रहा था तो उसके बारे में कुछ बोलता। बट एनीवेज अभी घर जाने का टाइम आ गया, अंधेरा हो गया, अभी कितना हो रहा है देख रहे हो, 8:26, और वेदर कुछ इस प्रकार का है। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है, अभी पहले तो 11 बजे तक भी अंधेरा नहीं हुआ करता था। ये साइकिल को जब मैं देखता हूँ मुझे याद आती है वो एक्सीडेंट वाली दिन। बट रोनित इज़ डूइंग फाइन नाउ, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है अभी। चलो भाई कहाँ जाना है, सब कुछ है इधर तो, नहीं लगता ही कुछ छूटा है, कॉल आ रहा है। अरे ब्रो सही है, ये देखो एक दो वीडियो बन रहा है YouTube में, तुम्हारा जाएगा। रात होने से पहले मुझे घर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हो और रात हो गई है और आपके पास लाइट नहीं है, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, घर पे है, तो फाइन लग सकता है। और हेलमेट का कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है अगर आप एक एज से ज़्यादा, मतलब बच्चे अगर नहीं हो। मेरा एक दोस्त अभी कॉल करा था जो स्वीडन में था लेकिन अभी है नीदरलैंड्स में, शिफ्ट हो गया, तो अभी उसका लाइसेंस हो गया है नीदरलैंड्स का, ड्राइविंग लाइसेंस, डच लाइसेंस। और वहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता, ड्राइविंग टेस्ट कुछ भी नहीं। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है डच लाइसेंस में, विच इज़ रियली गुड। बट यहाँ पे यार लाइसेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपको क्लास लेना पड़ेगा, पर आर क्लास अराउंड 600-700 रुपये करोना होता है ट्यूटोरियल का, मतलब ट्यूशन ड्राइविंग क्लासेस का। और फिर उसके बाद टेस्ट देना पड़ता है आपको, और फिर टेस्ट देने के बाद दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है आपको प्रैक्टिकल और एक होता है रिटन, मतलब थियोरी, दोनों पास करने पड़ते हैं। तो मैंने, मेरे को दोस्त है जो 30-40 हज़ार करोना स्पेंड कर चुके हैं और अब तक लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-15 हज़ार में भी लाइसेंस बना चुके हैं। चलो भाई वीडियो यहीं बंद कर देता हूँ, और बाकी यार कुल मिला के यही है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ ही ये वीडियो होता है समाप्त। थोड़े बहुत मेरे कुछ थॉट्स थे, मैं शेयर करना चाहता था, कर लिया है। और अगर आपको कंप्लेन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, भर दो। और बाकी यार अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।